रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अब लोक जनशक्ति पार्टी में अहम भूमिका निभाएंगे। अगले महीने पार्टी की बैठक के बाद उनकी जिम्मेदारी का ऐलान कर दिया जाएगा। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और चिराग पासवान से बात की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। पासवान का पहला सवाल आपसे होगा, हर तरफ युवाओं की बातचीत चल रही थी, तो आपको लगा सही समय है चिराग पासवान को पॉलिटिक्स में आगे करने का? बिल्कुल, हमको लगा कि सही समय है, हालांकि एक दो साल पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हमको लगा कि जब चिराग सब कार्यकर्ताओं ने हमारे पास में तो लास्ट में प्रपोजल आया और कल हमने इसको सीरियसली परसों से लेना शुरू किया। जब मैं महाराष्ट्र गया, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको असलियत का शायद ज्यादा एहसास होता है। जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाके जब मैंने काम किया और वहां पे देखा कि जिस तरह से बिहारियों के साथ बर्ताव होता है या जिस तरह से हमारे प्रदेश से पलायन हो रहा है युवाओं का रोजगार और शिक्षा की तलाश में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए और अगर मैं कर पाऊं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। टफ टाइम है इस समय आपकी पार्टी के लिए, बहुत बहुत ज्यादा टफ टाइम है। बिहार में जो समय चर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी की चर्चा है, नीतीश की चर्चा हो रही है, ऐसे में जमीन तलाश पाना मुश्किल वक्त में आए हैं आप? देखिए, चुनौती का मजा भी तभी आ रहा है जब आप मुश्किल वक्त में आए। आई थिंक अगर मैं आसान वक्त में आता तो शायद ना मुझे कोई क्रेडिट मिलता ना शायद मेरा जिक्र भी होता।